हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो एज यूजुअल हमारे सामने दो पाइल्स अवेलेबल हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपने करना क्या है, अपनी आइज़ क्लोज करनी है, अपने रब को याद करना है, और इन दोनों पाइल्स में आप जिससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, आपने वो पाइल सेलेक्ट कर लेनी है। उसी में ही आपका आंसर है। और तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 5 सेकंड का टाइम ले सकते हैं। और गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो सकता है ना हो। अगर आपके सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। और जो मैसेज आपसे मिलते हैं, जो आपके लिए हैं, वो आप रख लीजिए, वरना बाकियों को छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। तो ये एक जर्नल रीडिंग होती है, और जिनको कोई इशू होता है, मेरा ईमेल दिया हुआ है, पर्सनल रीडिंग आप उससे ले सकते हैं। तो वैसे भी डिस्काउंट निकाला हुआ भी पर्सनल रीडिंग में मैंने, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनमें से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये येलो कलर की कैंडल चूज़ की है, तो चलिए आप लोगों की रीडिंग देखते हैं हम। पहले हम रोमांस एंजल्स निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, क्लैरिफाई की जरूरत पड़ी तो क्लैरिफाई भी करेंगे हम। प्लीज पाइल नंबर 1, जिन्होंने चूज़ की है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इनको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या ख्यालात हैं उनके, इनको लेकर क्लियर मैसेज दीजिए डिवाइन। प्लीज़ इस पर क्लियर मैसेज दीजिए। एक कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है डिसेप्शन। तो चलिए अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, ख्यालात देखते हैं, थॉट्स देखते हैं, क्या चल रहे हैं उनका आपके लेकर, कनेक्शन को लेकर। दो कार्ड हमें मिल गए हैं, 3 दो कार्ड और देखेंगे। प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए, एक कार्ड और। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। हो सकता है, जैसे मुझे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर ने आपको डिसेप्शन दिया हो, पास्ट में आपको छोड़ के चले गए हों, उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और हो, या उनकी उनका कैरियर हो सकता है, या फिर भी उन्होंने कोई सेल्फ मार्क्स, फॉल्स सेल्फ मार्क्स पहना हुआ था, उन्होंने ट्रू फीलिंग्स आपको दिखाई नहीं कि वो क्या चाहते थे। कोडिपेंडेंसी वेरी सून, उनके आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड हो जाने की आदत थी, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई और हो, या कोई ऐसा उनके अंदर हैबिट थी, एडिक्शंस थी उनको, कोई बहुत ज़्यादा एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कोई एडिक्शन थी उनको जो आपसे वो दूर हो गए, उन्होंने आपको डिसेप्शन दे दिया। किसी को फ़ोन पर बात करने की एडिक्शन होती है, किसी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की एडिक्शन होती है, इस तरह की कोई बैड हैबिट थी आपके पार्टनर की। लेकिन मुझे यहाँ से ये लग रहा है वेरी सून और एस ऑफ पेंटिकल्स से कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, बहुत जल्द आपको अपने ऑफ़र देने वाले हैं, और ये ऑफ़र कोई सॉलिड ऑफ़र है जो आपको वो देना चाहते हैं। तो चलिए आप कार्ड देखते हैं, टैरो क्या कहते हैं आपके। मेरी इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होती, इंट्यूशन मेरी बिल्कुल सही होती है, मैं पहले ही पिक कर लेती हूँ वो एनर्जी। अगेन पूरा
आपका जो है समझ में आ गया मुझे गेम क्या हुआ है आप लोगों के बीच में। आपके पार्टनर ने आपको पास में डिसेप्शन दिया, वो आपको छोड़ के चले गए, उन्होंने आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताई नहीं, उन्होंने यही दिखाया कि वो आपकी फीयर आपको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, उन्होंने ये दिखाया कि वो आपके बारे में बिल्कुल सोच नहीं जानते, या उन्होंने ये दिखाया कि वो आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और है, यानी कि उन्होंने आपको डिसेप्शन दिया। ठीक है, वो आपको छोड़ के चले गए, कोई और हो सकता है उनके लाइफ में, इस तरह का कुछ दिखाया, लेकिन क्योंकि एडिक्शन थी उनको, जैसे किसी से बाहर किसी से बात करने की या किसी के साथ रिलेशन में चले जाने की, फिर वहाँ से धोखा खाने की। अभी आप लोग तो नो कॉन्टैक्ट में हैं, अभी आप लोग बात नहीं कर रहे, अभी आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल आप लोग बात नहीं कर रहे, उन्होंने आपसे ब्रेक ले लिया है, ना वो आप बात कर रहे हैं ना आप बात कर रही हैं, अगर आप इन्हें मैसेज भी कर रही हैं तो ये आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये आपके अपने बीच में होने के लिए आप दुआएं मांग रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन कायम करना चाहते हैं, जितना भी आपने पेन पास्ट में बर्दाश्त करना था आपने कर लिया है, क्योंकि ये आपके साथ अब एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। आपके पास जितनी भी दुख और तकलीफ़ें थी अब वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, यानी कि किस्मत का पहिया, अब आपका किस्मत का पहिया घूमेगा। अब आपने जो वो दुख और भरे दिन देखे थे अपनी लाइफ में, अब आपको हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपने ट्विन फ्लेम समझते हैं, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं। दो दो कार्ड हमें बता रहे हैं, तीन तीन कार्ड, चौथा ये हो गया एस ऑफ पेंटिकल, ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ शादी करने के बारे में सोचते हैं, वो हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, वो प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए, दुआएं मांग रहे हैं। अभी ब्रेक लिया हुआ है लेकिन बहुत जल्दी आने वाले हैं सॉलिड ऑफर लेके, ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। इन्होंने हो सकता है आपके पार्टनर जो है पब्लिक फिगर हो, डांसर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग उनकी बहुत ज़्यादा उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ की जाती है, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं आपके पार्टनर, वो अभी सिस्टम में इक्वल गिवन टेक चाहते हैं। अगर वो किसी और से मैरिड थे तो वो अब आपके पास आना चाहते हैं, वहाँ से सारे मामलात को हल करके आपके पास आना चाहते हैं, उस एडिक्शन से निकलना चाहते हैं। ये चेंज हो रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इनके माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ये बहुत जल्दी सिचुएशन से निकलेंगे। ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, पहले इन्होंने पास में आपको इतना दिया नहीं, इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्लैरिफाई करके, और क्या चाहते हैं, मैं यहाँ फोर ऑफ सोर्ड्स हूँ, क्लेरिफाई करूंगी और वॉइस फोर ऑफ सोर्ड्स हियर, प्लीज एक कार्ड दीजिए, वॉइस फोर ऑफ सोर्ड्स हियर, जबकि मुझे यहाँ क्लियर मैसेज मिल रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा इसको क्लेरिफाई करना चाहूंगी कि साफ साफ पता चल सके हमें और आपको। वाई फोर ऑफ सोर्ड्स हियर, मुझे यहाँ पे नो कम्युनिकेशन जोन नज़र आया है, तो मैंने आपको बता दिया। फोर ऑफ सोर्ड्स को हमें क्लेरिफाई किया है दो कार्ड से, तो हम दोनों ही ले लेंगे। आपके पार्टनर जो हैं अब आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, वो हैप्पी होम लाइफ चाहते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर मुझे यहाँ काफ़ी अच्छे वेल्थी नज़र आ रहे हैं, किसी कोई पब्लिक फिगर तो है ही आपके पार्टनर, और किसी के लिए आपके पार्टनर मुझे वेल्थ में नज़र आ रहे हैं, और कोई सुपरवाइज़र हो सकता है किसी कंपनी में, उनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, जैसे कि उन्हें नेचर से काफ़ी प्यार हो सकता है, उनके पास पैट भी हो सकता है, जैसे कि दोनों यहाँ पे पैट्स आए हैं तो पैट्स भी हो सकते हैं उनके पास, तोता हो सकता है, जैसे कि पैरोट हो सकता है, कोई बर्ड ऐसा। अगर मैरिड है आपके पार्टनर किसी और से तो यहाँ पे, या किंग तो मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन एनर्जी मुझे पिक हुई है कि जैसे कि ऑलरेडी आपके पार्टनर जो जानते हैं आपके पार्टनर मैरिड है, क्योंकि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, जो लोग मैरिड हैं उनका एक बेबी हो सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी के नज़र आ रहे हैं, अगर लड़की हैं तो उनके बाल बहुत प्यारे हो सकते हैं, नोज लिप शेप बहुत प्यारे हो सकते हैं, आँखें प्यारी हो सकती हैं। वाई सिक्स ऑफ पेंटिकल हेयर, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, देखिए गाइस ये
नॉलेज ऑफ पेंटिकल, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने आपको पास्ट में इग्नोर किया, इन्होंने पास्ट में आपको इतना नहीं फोकस किया आपके ऊपर, तो ये अब वापस आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये हर हाल में आपके पास आना चाहते हैं। अगर हो सकता है ये आपको कहीं डेट पर जाने के लिए कह रहे हैं या आपको अपने साथ बुला लें, मिलने आ जाए खुद आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है मुझे। बाय सिक्स ऑफ वांड्स हियर। आपके पार्ट में यहाँ पे लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी नज़र आ रहे हैं, एरिस लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं, सारे ही साइन हैं। कप की एनर्जी यहाँ मुझे मिसिंग नज़र आ रही है। कप नहीं है गाइस लवर्स, देखिए गाइस वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं वो। मैंने कहा कप की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है और कप की एनर्जी निकल के आ गई। गाइस बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल। आप इनका प्यार आपके लिए ओवरफ्लोइंग हो रहा है, ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, बहुत ज़्यादा मनी इशू भी रहा हो इनके पास, लेकिन अब ये एक अच्छे सॉलिड हो के आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल। और नीचे देखिए गाइस एम्परर का कार्ड जी। अब आपको इनकी तरफ से बहुत जल्द कमिटमेंट मिलेगी, आपको बहुत जल्द इनसे मैरिज का ऑफर मिलेगा। ये जो होता है ये इंसान थोड़ा ईगो में हो रहता है, लेकिन ये जब आता है तो सॉलिड ऑफर ही लेके आता है क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होता है। ये चाहता है लोग इसके पास आएं और ये किसी के पास ना जाए। सिंक्रोनिसिटीज हो सकता है आपको इनकी तरफ से कोई सिंक्रोनिसिटीज नज़र आती है, मिलते जुलते नंबर, कोई सॉन्ग, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एड जो नज़र इनका नाम बार बार दिखता हो, तो ये भी एक निशानी होती है कि इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। यू आर माई, ये आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पे सब कुछ है, कप भी है, पैसा भी है अब इनके पास आपके लिए, इमोशंस भी हैं आपके लिए, सब चीज़ें ये लेके अब आपके पास आना चाहते हैं। ये आपके साथ पहले क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि पास्ट में इनके पास चॉइसेस थी, अभी सारी चॉइसेस को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। वी विल बी टुगेदर आई नीड सम टाइम, जैसा मैंने कहा थोड़ा टाइम दीजिए, फोर ऑफ सोर्ड से ही वापस आएंगे। गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सी कैंडल चूज़ की है, तो चलिए आप लोगों की रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपसे क्या ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या थाट्स हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। तो पहले हम रोमांस एंजल से निकालेंगे कार्ड आपके आपके पार्टनर के लिए, दो कार्ड निकालेंगे ताकि पता चले कि रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं आपके पार्टनर के लिए उसके बारे में। प्लीज़ दो कार्ड दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो चलिए देखते हैं उनके थॉट्स में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं इस वक्त आपके और अपने रिलेशन के बारे में। टेन ऑफ कप्स नजर आया है मुझे, प्लीज पांच कार्ड दीजिए क्लियर मैसेज के साथ कि पाइल नंबर जिन्होंने ये पिंक कलर की कैंडल चूज की है उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो कोई क्या सोच रहे हैं, कितने कार्ड आएंगे। चार कार्ड आ गए हैं, चारों रहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है द लवर्स। आपके पार्टनर आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करती हैं, वो आपको अपना ड्रीम प्लान समझते हैं, आपके रिश्ते को एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आपको अपने फ्रेंड से इस सिचुएशन में बातचीत करने की ज़रूरत है, इनसे हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट रिलीजियस फैक्टर। तो चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए, टैरो क्या कहते हैं आपके बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल, द सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वांड्स। गाइस आपके आप और आपके पार्टनर, आपके पार्टी के पास हो सकता है पास्ट में चॉइसेस हों, आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो हैं आप, जैसे मैंने कहा पास्ट में इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, लवर के कार्ड किसका चॉइसेस को भी बताता है। इन्होंने आपके ऊपर जो है ये आपसे इतने प्यार करते हैं, ये इंसान इतना प्यार करते हैं, और चॉइसेस ये नहीं कि सिर्फ कोई
कोई फीमेल या मेल फिगर हो। चॉइसेस का मतलब ये भी होता है कि फैमिली को चूज़ करना होगा, हो गया कैरियर को चूज़ करना हो गया, या कोई ऐसा मसला हो गया जैसे कि, या फिर इनको जॉब, ऐसी चीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर के और आपके बीच में मुझे रिलीजियस फैक्टर भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोग डिफरेंट कल्चर के हो, डिफरेंट बैकग्राउंड के हो, आपके पार्टनर की लैंग्वेज अलग हो सकती है, आप लोगों का मजहब डिफरेंट हो सकता है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी आप सबसे पहले अपने आप से लव जो है, पहले अपने आप से प्यार करना सीखें। सही है, अभी आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, लेकिन आपके पार्टनर जो अभी थॉट्स ये हैं, वो आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं, वो अभी सिस्टम में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। सेम पाइल नंबर वन की एनर्जी आई है। मुझे लगता है जो पाइल नंबर वन देखते हैं, वो पाइल नंबर टू भी देखते हैं। वो आपके साथ एक हैप्पी होम लाइफ चाहते हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर जो हैं, अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, मुझे मैरिड हैं तब भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं, और अनमैरिड हैं तब भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आप लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो सेपरेशन में क्यों चले जाते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है, अभी आपको अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस चाहिए, तो आपको उनको ये नहीं दिखाना कि आप उनके पीछे मरी जा रहे हैं या मरी जा रहे हैं मरे जा रहे हैं। अभी आपको ये दिखाना है कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अभी आपको अपने आप पे फोकस करना है। अभी आपको उनको ये बिल्कुल दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके बारे में बिल्कुल सोच सोच के पागल हुए हैं। तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, और मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कोई अच्छे उसमें नज़र आ रहे हैं, अच्छी जॉब में नज़र आ सकते हैं, जैसे कि लो हो गया। अब आपके पार्टनर सिस्टम में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं, मुझे तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अभी आपको अपनी लाइफ में ये वापस चाहिए, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं। और मुझे यहाँ सेपरेशन भी नज़र नहीं आ रही है, बहुत अच्छा प्यारा रिलेशन नज़र आ रहा है, हंसता मुस्कुराता, लेकिन कोई इशू है तो अभी आप लोग इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। अपने आप से पहले प्यार कीजिए, दोस्तों से आप अपनी मदद लीजिए, क्योंकि लवर्स आया है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक। वो आपको इस तरह देखते हैं, देखिए, और नीचे हमारे इसके आया है एस ऑफ कप। आप अबंडेंस देखते हैं, अच्छे खानदान से देखते हैं, अच्छी जॉब हो सकती है आपकी, सिंगल देखते हैं। देखिए, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है आपके पार्टनर का। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, तो ये बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी पाइल नज़र आ रही है, बहुत अच्छी पाइल नज़र आई है आप लोगों की। मुझे यहाँ पे कोई मसला नज़र नहीं आया है। जस्टिस लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा अच्छी फील्ड में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं। वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान ऐसा होता है कि ये हर किसी को अपनी लाइफ में जिसको चाहता है उसको अपना बना लेता है। एस ऑफ पेंटिकल, बहुत जल्द आपके पार्टनर एक सॉलिड ओपनिंग कार्ड देख रहे हैं आप गाइस, कितने खूबसूरत यहाँ पे स्प्रेड है कार्ड का, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं जिन्होंने भी लिया है। मुझे बताने के लिए क्या है, इस बहुत प्यार 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 करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आपको भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं। उनको आपकी आँखें बहुत पसंद है, उनके आप उनको आपके हेयर्स बहुत पसंद है, आपके पहनने ओढ़ने का स्टाइल बहुत पसंद है। देखिए गाइस, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे कार्ड निकल के आपके सामने ही निकाले मैंने। बॉटम ऑफ द डेक आया है फाइव ऑफ पेंटिकल। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे लेफ्ट इन द कोल्ड, तो वो अब वापस आना चाहते हैं, वो आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, वो रिश्ते में आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए एक सॉलिड ऑफर लेके आना चाहते हैं। अब वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो कुछ भी हो जाए आपको हर वो अगर चले भी गए थे उन्होंने, मुझे तो ये पायल ऐसी लग रही है कि उन्होंने मजाक में आपसे दूर हो गए थे, जैसे कि मजाक मजाक में आजमाने के लिए आपसे दूर हो गए थे, उन्होंने देखना चाहते थे कि आपको इनकी फिक्र है या नहीं है। ये पायल मुझे ऐसी नज़र आ रही है, एक बंदे को आजमाना होता है ना कि देखें कि भाई अगला बंदा प्यार करता है या नहीं करता। और किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उनको जो है पैसों का इशू रहा हो, बीमार हो गए हो, या कोई उनके घर में किसी की डेथ वगैरह हो गई हो, तो ये इशू हो, स्टक थे वो, लेकिन कभी
लेकिन अब वो आपके पास आना चाहते हैं, उनको वेकअप कॉल दी जा रही है, वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो आपसे हैप्पी हम लाइफ चाहते हैं। देखें गाइस, कार्ड स्प्रेड इतने प्यारे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अब आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। बहुत ही अच्छी स्प्रेड, वेल डन, शादी का ऑफर मिलने वाला है आपको इनकी तरफ से। ये कब तक आएंगे, टॉरस सीजन में आ जाएंगे या कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो में आएंगे? टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न या कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो? वी विल बी टुगेदर। कैसी जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट होती है तो आपके साथ अच्छी बात है, नहीं होती तो उसको इग्नोर करेगा। विल यू मैरी मी? शादी का कार्ड, 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 इतनी बेचैन, मतलब इतने बेचैन है ये शख्स शादी के लिए। और फिर शादी के, देखिए शादी का कार्ड है, ये भी शादी का, हैप्पीनेस का खुश, ये भी हैप्पीनेस का कार्ड है, खुशी का कार्ड है, ये भी इक्वल गिवन टेक का, ये भी। और अगर ये कहीं मैं ऑलरेडी मैरिड है तो इनकी वहाँ बन नहीं रही, तब भी उन वहाँ से अपने आप को फ्री करके आपके पास आना चाहते हैं। यू आर माई हैप्पीनेस, जी वो तो मुझे दिख रहा है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस नज़र आ रही है मुझे इस पाइल में। आई विल टॉक टू यू वेरी सून, जी मैंने आपको कहा ना, ये बंदा आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते ना मरे जा रहा है, वो हाल है इनका। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है रीडिंग में, बाय।